अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वरदा शुएब और वेलकम टू रिवायतों की लज्जत। और आज भी जहाँ पे बात होती है रिवायात की, तो रिवायती खानों में हमारे मुगलई खाने जो हैं, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। मुगलई खाने हमारे किसी से कम थोड़ी हैं, मुगलई ने तो छाए हुए हैं हर खानों के ऊपर। और मुगलई कुजीन जो है वो बेसिकली काफ़ी कदीम ज़माने से चला आ रहा है, उसमें बादाम, पिस्ते, काजू। और मुगलई दौर में तो मुग़लों के लिए, जब मुग़ल एम्पायर था, तो उसके उनके लिए तो बाकायदा खानों में सोने की सिक्कों के जो है वो भगाड़ लगाए जाते थे, चांदी के सिक्के के भगाड़ लगाए जाते थे, ताकि उससे एक अच्छी, कह रहे थे कि ताकत आती है, आपका दिमाग तेज़ होता है। ये तो है मुगलई खानों की हमारी जो है वो डिटेल्स है। और मुगलई खाने होते भी बहुत जो है ना, बहुत शाही किस्म के, क्योंकि वो मुग़ल दौर से निकले हैं। और आई गेस ये इंडो पर्जियन का एक मिक्सर कॉम्बो है जो बना है। बाकी डिटेल्स जो है वो हम बताएंगे आपको ड्यूरिंग द शो। और मुगलई खानों के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे कुकिंग एक्सपर्ट नवीन आरिफ, जिनको मैं इन्वाइट करती हूँ अपने शो पर। आज नवीन आरिफ, प्लीज़ आइए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वरदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं नवीन? बिल्कुल ठीक ठाक, और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। अच्छा मुझे बताएं, आप आज जो है वो मुगलई कुजीन बना रही बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, मैंने आज यही सोचा कि मैं खीर एक बहुत अच्छी बनाती हूँ, जो मैंने कहा कि मैं खीर जरूर बनाऊंगी। कड़े दूध की खीर है ये बिल्कुल दूध को जो है पका पका के ब्राउन कर लेते हैं, जैसे कहते हैं दूध कड़ा। जी जी जी, कड़े दूध की खीर, कड़े, जी जी जी, ये बहुत सिंपल है, लेकिन फ्लेवर इसका आप खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई अच्छा कड़ा जो तुमने बना लिया यहाँ पे। जरूर खाऊंगी और मैं वेट ट्राई करूंगी कि आप आके जो है वो अपना काउंटर संभालिए और तैयार कीजिए। हमारे खाने कौन कौन से हैं आज के? बिल्कुल, सबसे अच्छा, पहले एक तो पर चल गया हमें कि आप कढ़े हुए दूध की खीर बना रही हैं, और दूसरा क्या बना रही हैं? दूसरा हम बना रहे हैं मुगलाई डिश है, चिकन लबाबदार। चलें लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं मैरिनेशन कर लेती हूँ चिकन की। ये 1/2 kg चिकन है, ठीक है, इसकी सबसे पहले मैरिनेशन स्टार्ट हो रही है। अच्छा, मैरिनेशन के लिए सबसे पहले तो मैं, ये है लाल मिर्च, किसी भी लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने लिया है तकरीबन 1/2 teaspoon, 1.5 डेढ़ टी स्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये नमक अब अपने टेस्ट के मुताबिक, अभी मैं इसमें 1 teaspoon डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मसाला भी बनाना है इसका। अच्छा, ग्रेवी अलग, बनेगी, अभी सिर्फ चिकन मैरिनेट हो रही है। अच्छा जी, हम बना रहे हैं चिकन लबाबदार, मुगलाई चिकन लबाबदार बना रहे हैं हम, जिसमें हम सबसे पहले चिकन को जो है वो मैरिनेट कर रहे हैं। मैरिनेशन के लिए अभी इन्होंने लाल मिर्च, 1/2 teaspoon लाल मिर्च डाला, नमक हसबे जायका। अच्छा, ये है जीरे का पाउडर, ये मैं तकरीबन 1/4 teaspoon ले रही हूँ। 1/4 teaspoon जीरा पाउडर जी, टर्मरिक, हल्दी पाउडर 1/4 teaspoon, ओके, ठीक है। और ये है गरम मसाला, ये भी 1/4 teaspoon, ठीक है। और दही, अच्छा दही जो है वो थोड़ा सा फेंट के जाएगा, 4 से 5 tablespoon बस कर लें, मैं ऐसे से कर लेती हूँ। आप फोक ले लें, भी है हमारे पास, ये सब चीज़ मौजूद है हमारे पास, आप प्रॉपर करें। हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स को जो है वो ऑथेंटिक रेसिपी मिले, हम कोई भी 19-20 नहीं करेंगे, हम प्रॉपर रेसिपी आप तक। अच्छा देखें, ये 4 से 5 tablespoon दही लिए थे मैंने, और उसको विस्क करके डालना है ताकि इसमें कोई लम्स ना हो, और ये हमने इसको बस चिकन मैरिनेट कर दी, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल मसाले हैं, बताएं अब हर घर में ये वाले हमारे मसाले होते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, हर घर में होते हैं ये। चल ये मैरिनेशन हो गई, मैं मिक्स कर देती हूँ इसको, और सही, अब इतनी देर में हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। जितनी देर में, वैसे तो इसका जो मैरिनेशन टाइम है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे है, लेकिन अब जाहिर है इतना लंबा हम मैरिनेट नहीं कर सकते अभी। वैसे आप घर में बनाएं तो जरूर इसको 2 से 3 घंटे मैरिनेट करें, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा फ्रिज में रख दें, बाहर नहीं, फ्रिज में रखें, मैरिनेट करके फ्रिज में रखें, ठीक है। चलें बस ये मैरिनेशन हो गई है इसकी, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक आप जो है वो स्टार्ट कर लें इसकी ग्रेवी। अच्छा सी ग्रेवी कैसे बनाएंगे हम? जी मैं ग्रेवी बता रही हूँ आपको, देखिए इसमें सबसे पहले हमने 4 tablespoon ऑयल लेना है। अच्छा नवीन, ये हांडी टाइप की बनती है जी, ये समझे आपकी ये फैमिली वही है मखनी। अच्छा। जो मखनी जो हम चीजें बनाते हैं ना, जैसे मखनी हांडी, मखनी कढ़ाई, तो ये समझे उसी फैमिली से बिलोंग करती है ये। तो जरूरी है इसको हम पतीली में बनाएं या हम हांडी में भी बना सकते हैं इसको, तो हांडी का टेस्ट आ जाएगा, या नहीं पतीली, नहीं पतीली में ही बनाएं आप, बेशक सर्व कर दें हांडी में, लेकिन बनाएं पतीले में। हाँ इसका थोड़ा सा अब आप खा के देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि वहाँ का हांडी, क्योंकि इसमें ग्रेवी ज्यादा होगी, जैसे हमारे घरों में ग्रेवी बच्चे और घर वाले भी ज्यादा सालन ज्यादा मांगते हैं रोटी साथ, तो ये वो उसके लिए बेस्ट है। अच्छा, सबसे पहले हमने 4 tablespoon इसमें घी तेल ले लिया, और उसमें हमने 2 से 3 इलायची, हरी इलायची जी, छोटी इलायची, और 2 से 3 ही ये है लौंग है, बस ये डाल दी, अभी इसमें और कुछ नहीं करा। इट्स डन राइट। अच्छा ये है मैंने ली है प्याज, ये मैंने तकरीबन ली थी 2 प्याजें मीडियम साइज की, और उसको मैंने हल्के से 2 tablespoon ऑयल में ना हल्का सा जैसे ट्रांसलूसेंट कर लिया, पिंक कर लिया हल्का सा, ठीक है, पंख पका लिया, और उसको मैंने पीस लिया।
अच्छा तो बस ये अच्छा पहले पका के मतलब इसको स्लाइस्ड अनियन करी जी स्लाइस्ड अनियन करी और उसको मैंने हल्का सा फ्राई करा ऑयल में मतलब बिल्कुल लाल नहीं करा हल्का सा फ्राई करा और फिर मैंने उसको पीस लिया तो ये पेस्ट बना लिया कि हल्की सी कच्ची पक्की प्याज हो जाए बस ये प्याज हमने इसके अंदर डाल दी माइल्ड पिंकिश अब ये देखिए इसका जो ग्रेवी तो इसी प्याज की बनेगी ना तो प्याज जरूरी थी डालना इसलिए हमने प्याज डाल दी जब वो आपकी प्याज पिंक हो जाए आपने उसका पेस्ट बना लेना है और फिर तेल गर्म होने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है अब क्या जाएगा इसमें अच्छा अब इसमें मसाले ऐड होंगे दो मिनट के लिए बस जरा मैं ये पका लूँ थोड़ा सा ना इसको फ्राई कर लूँ तो फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे सारे जो हमारे मसाले रखे सारे मसाले जाएंगे सारे मसाले जाएंगे बिल्कुल इसमें सही अच्छा जी ये रहा नमक लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट है ओके हल्दी लाल मिर्च अच्छा आप जो मैरिनेट करें चिकन को तो इसका ख्याल रखिएगा कि हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे और ग्रेवी में भी इसकी मिर्च नमक जाएगा उस हिसाब से जरा कम डालेंगे अभी हम इसमें तो नमक ऐसे करना है कि आप दोनों रेशियो बैलेंस रहे ताकि अगर टोटल आप अपनी रेसिपी में जो है वो अगर एक चम्मच या दो चम्मच मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल एक चम्मच आप मैरिनेशन में डालेंगे एक चम्मच आप ग्रेवी में डालेंगे ऐसा ना हो कि हमने उसमें भी भर के डाल दिया तो रेसिपी की बेचारी की क्या बोले परेशान हो जाएगी कि मैं कहाँ पड़ गई जी अच्छा ये धनिया पाउडर है सही धनिया पाउडर लिया दो टीस्पून या डेढ़ टीस्पून ले लें दो टीस्पून वैसे मुनासिब है दो टीस्पून धनिया पाउडर लिया सही लाल मिर्च का पाउडर ये तकरीबन कम डाल रही हूँ अब क्योंकि उसमें भी डेढ़ तो उसमें चला गया था ना तो अब एक टीस्पून बिल्कुल इसमें लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला सही वन टीस्पून भर के डाला इन्होंने गरम मसाला पाउडर हल्दी थोड़ी सी अब डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट लहसुन अदरक का पेस्ट ये दो टेबल स्पून लहसुन अदरक अच्छा मैरिनेशन में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला इसलिए हम इसी में डाल रहे हैं दो टेबल स्पून हमने ये डाला अच्छा अब हम इसमें एक मिनट बस इसको पकाने के बाद हम इसमें ये चिकन डाल देंगे अच्छा थोड़ा सा मसाले को हम भून लेंगे थोड़ा सा मसाला भूनेंगे और इसमें हम ये ऑयल सेपरेट होने का वेट करना है हमें नहीं ऐसा कोई ऑयल नहीं सेपरेट होगा बस ये थोड़ा सा मिक्स करके क्योंकि हाँ प्याज लेकिन पकी हुई थी ना हाँ जी ऐसी कोई कच्ची प्याज नहीं है देखिए और वैसे भी देखें पक गया है ऑलमोस्ट उसका ऑयल ऊपर आ ही गया है हाँ जी देखिए प्याज ऑलरेडी जो है वो पकी हुई थी बहुत टाइम उसको अब इसमें हमने ये चिकन डाल दी मैरिनेटेड चिकन जो थी हमने ये डाल दी दही अच्छा इसमें साथ ही चला गया हाँ, तो दही ऊपर से अब नहीं डलेगा जाहिर है इसी में चला गया दही सही चलिए जी ये हो गया अच्छा ये एक्सेस हम यहाँ रख देते हैं ठीक है ये हो गया अब इसमें हम डालेंगे काजू का पेस्ट अच्छा काजू का पेस्ट अभी नहीं गया अभी पहले डलेगा सॉरी टोमेटो प्यूरी टोमेटो प्यूरी डलेगी टोमेटो प्यूरी टोमेटो आप नॉर्मल पेस्ट है या कैन वाला नहीं कैन वाला नहीं है ये मैंने जो है ना टोमेटोज को ब्लेंड कर लिया पहले तो वो तो पेस्ट बन गया ठीक है फिर मैंने इसको क्या किया कि फिर पका लिया तो वो गाढ़ा कर लिया मतलब वो ये तकरीबन 4 से 5 टमाटर हैं जो कि ये समझे इतने से हो गए बिल्कुल छोटे साइज के तो ये इतना ये तकरीबन 4 टेबल स्पून बन गया सही अच्छा जी आप टमाटर अगर बड़े हैं तो आप 2 से 3 ले लीजिएगा आपने टमाटर को क्या करना है आपने उनको पेस्ट बना के ब्लेंड करने के बाद आपने उसको फ्राइंग पैन में उसका पानी जो है वो खुश कर लेना है खुश कर लेना तो ये इस तरह का हो जाएगा थिक पेस्ट बन जाएगा ये टमाटर ये डाल दिया इसमें सही इससे ना कलर भी बड़ा अच्छा हाँ टमाटर पे से कलर ही बड़ा अच्छा अब इस तरह से डालें तो कलर अच्छा आ जाता है उसका सही है जी और ग्रेवी भी इसी की है ग्रेवी भी बनी इसी की ग्रेवी भी बन गई है खटास भी थोड़ी सी आएगी खटास भी थोड़ी सी आएगी मुगलई खाने हैं तो फिर रिच इन फ्लेवर्स तो लाजमी सी बिल्कुल बिल्कुल अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे थोड़ा पानी डालेंगे इसमें ताकि ये हाँ अच्छा मैंने ये नहीं डाला है काजू का पेस्ट ये भी मैं डाल देती हूँ ताकि साथ में पक जाएगा ये आप काजू का पेस्ट डाली काजू का पेस्ट कितना लिया है ये तकरीबन 7 से 8 काजू है जिनको मैंने थोड़ा सा पानी में ना भिगो के रख दिया और फिर उसका पेस्ट ब्लेंड कर लिया अच्छा जी 7 से 8 काजू का इन्होंने पेस्ट बना लिया पानी में डाल दिया पानी में भिगो के जी और अब इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे मीनवाइल आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आते हैं और फिर बताते हैं आपको कि चिकन लबाबदार में आगे हमें रेसिपी में क्या करना है तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक और आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और आज रिवायतों की लज्जत में बन रहे हैं मुगलई कुजीन जिसमें हम बना रहे हैं मज़ेदार सी कढ़े हुए दूध की खीर और मुगलई चिकन लबाबदार
और चिकन जो है वो हमारी कहाँ तक पहुँची है बताएंगी नवी। अच्छा, मैं सिनेमन पाउडर डालना भूल गई थी, तो 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर है, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है सिनेमन का, तो बस 1/4 ही बिल्कुल लेवल में थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डलेगा इसमें। आप मसालों के साथ ही डालिएगा पहले ही, ठीक है। चिकन भी हमारी ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, अब इसको स्लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं अपने खीर पर। अच्छा, खीर का एक रेशो है, पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ हिसाब के क्या है। देखें, 3 लीटर तो इसमें दूध है जो कि पका के मैंने 1.5 लीटर पे कर लिया, ठीक है। पका के जाके इसका कलर भी आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन। अब इसमें डालेंगे 3/4 कप चावल कच्चे, कच्चे यानी पकने के बाद वो फूल के ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अभी 3/4 चावल जो है वो कच्चे। अच्छा, 3/4 चावल आपने उसको पीसना है? हाँ, पहले कच्चे नहीं, में पीस नहीं, 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 कच्चे में नहीं, पहले कच्चे को हमने भिगो लिया। कच्चे चावल जैसे साबुत चावल जो होते हैं उनको हमने भिगो लिया, और उसके बाद जैसे बॉइल करते हैं विदाउट सॉल्ट बगैर नमक डाले, सिर्फ पानी डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया, तो वो एक बड़ा प्याला बन जाता है। मतलब 3/4 कप भी कंप्लीट बॉईल करना है, जी जी, नहीं पूरा चावल बॉईल कर लिए, नरम कर लिए जैसे चावल पूरे, ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया, इसी में से दूध लिया, ब्लेंडर में डाला और वो चावल पीस लिए। अच्छा, ठीक है, इसी में से दूध लेके चावलों में डाला। जाहिर चावल तो ड्राई हैं, अब वो खाली ब्लेंडर में नहीं जाएंगे, तो इसी में से दूध लेते गए और चावल में डालते। अच्छा, इसमें चीनी डलेगी 1 कप, 1 कप से थोड़ी कम, तो मैं मेजर कर रही हूँ, 1 कप से थोड़ी कम इसमें जाएगी। अच्छा, मेजरिंग कप जो जी मेजरिंग कप है वो तकरीबन आप पहले 3/4 लें, 3/4 कप, सही, ठीक है, 3/4 लेंगे अगर हमें, क्योंकि ये ज़्यादा मीठा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मीठा करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो ये 3/4 हमने इसमें चीनी डाल दी। अब मीठा वैसे भी आपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना 3/4 इसमें मुनासिब रहता है। ये मैं बंद कर रही हूँ 2 मिनट के लिए, ऐसा ना लग जाए, तो फिर मैं इसके ऊपर बाद में आ जाऊंगी इस रेसिपी पे। सही है, सही, आप बंद कर रहे हैं क्योंकि अभी ऐसा ना हो कि ये नीचे से लग जाए। अभी हम दूध ये कर रहे हैं, धीमी आंच पे नहीं छोड़ेंगे कुछ डाल के इसमें, बिल्कुल अभी छोड़ेंगे ना, क्रीम डालेंगे इसके अंदर और कसूरी मेथी डालेंगे, या तो डाल ही देते हैं आप, डाल दें इसको, डन कर देते हैं। चलिए इसको डन कर लेते हैं, हमारी चिकन लबाबदार जो है वो रेडी हो जाए। अब हम इसमें डाल रहे हैं क्रीम, ये डलेगी तकरीबन 4-5 टेबल स्पून, सही, इसी ग्रेवी में, ठीक है। अच्छा, 4-5 टेबल स्पून क्रीम ली है आपने जी, और ये हमने मिक्स कर दे रहे हैं, सही, मिक्स कर दिया, चूल्हा बंद करके डाल दिए, सही। अच्छा, कसूरी मेथी मैंने आपकी यहाँ पे क्रश कर दिया, बिल्कुल कसूरी मेथी भी क्रश होके ही जानी। हाँ जी, तो मैंने यहीं पर ही खड़े खड़े कोई काम तो कर दूं मैंने कहा। कसूरी मेथी डलेगी क्रश होके, तो ये तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाली ऊपर से, और बस आपका चूल्हा बंद है। ये हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर से। अच्छा, हरा धनिया चॉप नहीं करना, आपने साबुत डालेंगे? नहीं नहीं, कटा हुआ ही है, अच्छा, मैंने काट के ही रखा है। अच्छा, ठीक है, ये कटा हुआ हरा धनिया डाला और बस हमने इसको बंद कर दिया। अच्छा, चूल्हा बंद है ये, ठीक है। मक्खन एंड में सर्विंग के वक्त, सर्विंग वो हम अपनी डिश में ऊपर से बटर डालेंगे, थोड़ा सा क्रीम से गार्निश करेंगे और थोड़ा बटर डालेंगे। बड़ी मजे की लग रही है ये, बहुत मजे की, रिच इन फ्लेवर्स है ये सब, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये चावल जो मैंने आपको बताया कि ये 3/4 कप राइस थे, कच्चे राइस थे, फिर मैंने उसको बॉईल करा और बॉईल करने के बाद मैंने इसी दूध में उसको ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर में डाल के, सही, ठीक है। तो ये ऐसा समझेंगे, ये ऐसा हो गया गाढ़ा, ये बहुत थिक हो गया है अभी, लेकिन अभी ये इस दूध में जाएगा तो ये वो हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा। अच्छा, दूध आपने चूल्हा जो है वो बंद करा हुआ है? नहीं नहीं, हल्की बिल्कुल धीमी आंच पे चल रहा है ये, सही। अच्छा, इसको हमें विस्क की जरूरत नहीं पड़ेगी? विस्क की जरूरत है, अगर विस्क की जरूरत चाहिए, विस्क की जरूरत है, क्योंकि ये वैसे तो हम ब्लेंड ही करते हैं इसको ना, हम इसको ना ब्लेंडर में डाल के खट्टा ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन अभी नहीं, मैं समझी नहीं, ब्लेंड कैसे करते हैं, लाइक दूध के साथ? मतलब आप चावल लेते हैं और इसी में दूध डालते जाते हैं, पतला पतला ब्लेंडर से निकाल निकाल के इसमें डालते जाते हैं, फिर दूध पतला पतला समझे चावल के साथ ये डालते जाते हैं, तो इसमें कोई लम्स वम्स का कोई वही नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा, अभी हमारे पास हमने ब्रेक इसको पहले से हमने इसको ब्लेंड करके रख लिया था, इस वजह से हमें और इसको मतलब मिक्स करना पड़ रहा है चावल इसके अंदर, अदरवाइज ये खुद ही पेस्ट होता ना, पेस्ट चला जाएगा तो वो खुद ही से मिक्स होता, हां लम्स नहीं पड़ते, और आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अब इसको हम, ताकि हाँ लम्स नहीं आएंगे फिर। बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, इट साउंड्स वेरी डिफरेंट एंड खाने में टेस्ट भी इसका बहुत डिफरेंट है, और जो है ना जी डिफरेंट है, और इसका जो है ना बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिल्कुल रनी है, ना बहुत थिक है, क्योंकि अभी ये गाढ़ी होने के बाद जब ये ठंडी होगी तो गाढ़ी हो जाएगी, ठंडी होगी तो गाढ़ी होगी, क्योंकि खीर है जी, फिरनी टाइप की होगी या नहीं, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी खीर के ही स्टाइल में आएगी जी जी आएगी, सही। अभी इसको मैं थोड़ा टाइम देना, ज़ाहिर अभी ये चावल इसके अंदर जाके थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ इसलिए, हाँ, ताकि ये आराम से मिक्स हो जाए इसके अंदर, सही।
बस हमारी एक रेसिपी तो डन है, बस इसको भी समझे दो मिनट और पका के चिकन लबाबदार वैसे बहुत जल्दी तैयार हो गई है, बहुत बिल्कुल आसानी मैंने से बोला था ना कि इजी टू मेक एंड रिच इन फ्लेवर्स, बिल्कुल बहुत क्विकली तैयार हो गई है। मीनवाइल हम लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो कड़े हुए दूध की खीर का बस रेडी बना रहे हैं। स्लो स्लो हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू मिक्स कर रहे हैं ताकि इसमें किसी किस्म के कोई लम्स ना बाकी रह जाए। और जब तक आप जाके लीजिए छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक खीर की कैसी होती है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और रिवायतों की लज्जत में बन रहा है कढ़े हुए दूध की खीर और मुगलाई चिकन लबाबदार। मुगलाई चिकन लबाबदार जो है वो रेडी हो चुका है, अभी रेडी हो रही है कढ़े हुए दूध की खीर जो कि बहुत डिफरेंट तरीके थोड़े से बन रही है और दूध को प्रॉपर काढ़ के बनाई जा रही है। बिल्कुल, इसमें तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे इस दूध को बिल्कुल बारीक आँच पे, ये पकता रहेगा तो ये ऐसा हो जाएगा आधा। इसका ब्राउन कलर देखें आप कितना अच्छा है। हाँ अच्छा, यानी कि अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो सुबह से आप दूध को चढ़ा दें 4 से 5 घंटे पकने दें। बिल्कुल, इसका रेशो हमने हाफ करना है। अगर आपने 2 किलो खीर सपोज बनानी है तो आप 4 लीटर दूध लेके आप उसको पकने के लिए छोड़ दें। जब दूध 2 लीटर रह जाएगा देन आपने ये प्रोसेस करना। अच्छा, ये मैंने 3 लीटर लिया था तो मैंने इसको 1.5 लीटर कर लिया, पका के इतना कर लिया कि 1.5 लीटर हो गया। इसमें मैंने 3/4 कप कच्चे चावल लिए जिसको मैंने भिगो दिया पानी में, और 3/4 का हिसाब इसके लिए बिल्कुल बेस्ट रहता है। ठीक है, इतनी ही, जी 3 लीटर दूध के लिए तो 3/4 कप मैंने चावल लिए, चावल को मैंने भिगो दिया और भिगो के मैंने उसको बॉईल कर लिया। जब ये बॉईल हो गए चावल तो उसको हमने इसी दूध में डाल के ब्लेंड कर लिया चावलों को, और हमने अलग रख लिया था इसको। आप चाहे तो साथ साथ ब्लेंड करते रहें और साथ साथ इसमें मिलाते रहें। इसके अलावा इसमें 3/4 कप ही हमने चीनी मिलाई है। अगर आपको तेज़ मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 कप भी कर सकते हैं, मेजरिंग कप की बात करी, मेजरिंग कप, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें 3/4 कप ही मिलाई है और इससे बिल्कुल सही इसका फ्लेवर आता है 3/4 कप से। और बस ये पक रहा है, अब थोड़ी सी आधा समझेंगे 10-5 मिनट इसको पकाया और बस अब ये डन है। मैं अब चूल्हा बंद कर रही हूँ, धीमी पे ही पका है। अब ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया इसका, बस हम इसको करेंगे, निकालेंगे अपने डिश आउट करेंगे और ऊपर से इसको पिस्ताशियो और आलमंड से गार्निश करेंगे। अच्छा, दोनों रेसिपीज जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, हम इसको सर्विंग प्लेटर्स पे जो है वो डिश आउट करते हैं। जब तक आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का एक रीकैप। चिकन लबाबदार अज्जा, चिकन आधा किलो, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चाय का चम्मच, दही 4 से 5 चाय के चम्मच, तेल 4 चम्मच, इलायची 2 अदद, लौंग 2 अदद, प्याज का पेस्ट 1 कप, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, टमाटर का पेस्ट 2 चम्मच, काजू का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, क्रीम 4 खाने के चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच। तरकीब, 1/2 किलो चिकन लें, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और दही डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। एक पतीली में ऑयल डालें और गरम कर लें, साथ ही इलायची, लौंग डाल लें, प्याज का पेस्ट बनाकर भून लें, साथ में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भून लें, साथ ही चिकन और टमाटर का पेस्ट और काजू का पेस्ट शामिल कर लें और पानी डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। दालचीनी पाउडर डालकर मिक्स करें और पकने के लिए छोड़ दें। क्रीम, कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर मिक्स करें और साथ ही मक्खन के साथ पेश करें। कड़े हुए दूध की खीर। अज्जा, दूध 3 लीटर, चावल 4 कप, चीनी 3/4 कप। तरकीब, 3 लीटर दूध को अच्छी तरह उबाल लें जब तक उसका रंग लाइट ब्राउन ना हो जाए। दूध पकाने के साथ चीनी डालें, कच्चे चावल को उबाल लें और फिर पीस कर इसको गाढ़ा कर लें और दूध में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। बादाम और किशमिश के साथ गार्निश करके सर्व करें। जी जनाब, तो रेसिपी आपने नोट कर ली, अगर नहीं तो नुकसान आपका है क्योंकि हमने आज इतनी मज़े की रेसिपीज़ बनाई हैं और इतनी आसान बनाई हैं और स्पेशली कढ़े हुए दूध की खीर मुझे अभी नवीन बता रही थी कि इनकी फैमिली की स्पेशलिटी है। हमारी फैमिली की स्पेशलिटी है, मेरी अम्मी बनाती हैं हर दावत में, समझेंगे हर दावत की जान है हमारे यहाँ और ये ज़रूर मतलब है ही, होना ही है इसको, इस खीर को तो दावतों में। अच्छा, तो ये मेरी अम्मी से मैंने सीखी है और अम्मी ने मेरे नानी से सीखी है। अच्छा, तो यानी कि ये फैमिली खीर है हमारी। कढ़े हुए दूध की जो रेसिपी है ये आई है एक जनरेशन टू जनरेशन रेसिपी,
जनरेशन जो कि इनकी नानी बनाती थी और फिर इनकी मदर ने बनाई वालदा ने और फिर अब जो है वो नदीम बना रही हैं और अब हमारे व्यूअर्स बनाएंगे और मेरी नानी देख रही हूँ देखेंगी तो यकीनन खुश होंगी क्योंकि वो जो है ना शौक से देखती हैं और मुझे कुकिंग करते हुए देखती हैं बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, नानियाँ तो बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और यही हमारी रिवायात हैं और यही मोहब्बत भरी हमारी चीजें हैं। बहुत मजे की होती है, आप ये भी जरूर ट्राई करिएगा। ये हम दोनों रेसिपीज खीर तो मैंने ट्राई कर ली है और खीर वाकई बहुत मजे की है। जो नॉर्मल घरों में हम खीर या फीनी बनाते हैं उससे डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है फ्लेवर में भी और बनाने के तरीके में भी और कलर भी बहुत प्यारा सा इसका पिंकिश सा कलर आया है। अगर अब आपके घर में कोई दावत है तो आप जरूरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और चिकन लबाबदार भी जो है वो बहुत इजी टू मेक है। बिल्कुल, और आप किसी भी दावत में इसको इजीली सर्व कर सकते हैं। आप यकीनन दाद इसमें आपको वसूल होगी, मतलब इतने ज्यादा मजे की बनती है कि सब कहेंगे क्या बनाया है, कैसी रेसिपी है, जल्दी से बताओ। जबरदस्त यार, तो आप बताइएगा, बनाइएगा जरूर, अपना फीडबैक भी हमें जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच नवीन। इसी के साथ ही आपसे लूंगी इजाजत, लेकिन इसी प्रॉमिस के साथ फिर मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ और एक नई डिफरेंट यूनिक रेसिपी के साथ। मीनवाइल आप हमें अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगी है और अगर ऐसी आपके पास कोई रेसिपी है डिफरेंट सी जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है या आपने अपनी दादी नानी से सीखी है और आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा, हम आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे अपने शो में। इसी के साथ ही अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और आज के मज़ेदार खाने इन्जॉय कीजिएगा। मैं इन्जॉय कर रही हूँ, मेरी टीम वेट कर रही है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।